पत्र, सोशल वर्क का थर्ड पेपर है ये, और जून 2015 का है, जून 2015 का है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित सहस्त्राब्दीय लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज में उनकी संख्या के क्रम में व्यवस्थित करिए। आप तो संख्या के क्रम में देखो, अब कभी कभी एक आध प्रश्न हो जाते हैं ऐसे में, पूछ ले जाते हैं, बट ऐसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि 17 गोल्स हैं, तो क्रम में कैसे कैसे हम लगाए इसको। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला क्रम है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्राप्ति करने को लेकर है। उसके बाद जो आता है आपका बाल मृत्यु दर को कम करना आता है। फिर उसके बाद आपका आता है मृत स्वास्थ्य सुधार को लेकर आता है। फिर उसके बाद आपका आता है एचआईवी एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना, इसके संबंध में बात किया गया है। कुल टोटल 17 गोल हैं 2015 से 2030 के बीच में, ये जो है गोल निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आप सभी को ये ध्यान रखना होगा, और इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया भी है, वैशाली का जवाब आया है यहाँ पे, है ना, वैशाली का, हनी जी का, पवन जी का, ऑप्शन ए आया हुआ है, तो इसलिए आप सभी लोग, संगीता सैनी का भी आया है ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर पहला वाला ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 53 में, कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समानता नहीं, क्या ये जवाब आपको सही लग रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ समानता नहीं है, बताएं आप लोग। तो क्वेश्चन सही नंबर सामाजिक 50 आपके, अगर 3 के न्याय बारे में तो अगर है। हम बात करें, प्रश्न अच्छा है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, आप बताएं मुझे, सामाजिक तो न्याय सही का लग रहा अर्थ है, तो समानता नहीं है, सही है। समानता नहीं है। तो सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय मतलब एक इक्वेलिटी लाना, मतलब कि जस्टिस न्याय, सामाजिक सामाजिक न्याय न्याय होता है मतलब ये व्यक्तियों के कि न्याय संबंध करने में, के सोशल जस्टिस ऐसे सामाजिक, हाँ उत्पाद। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी लोगों को अपनी कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना धन, स्वास्थ्य, कल्याण, न्याय, विशेषाधिकार का अवसर प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे समान पहुँच होनी चाहिए, वो बेसिकली समान की बात करता है। तो समान की बात कर, समानता नहीं, तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय सबसे बुरी हालत में रह रहे लोगों के पक्ष में विपरीत विभेदीकरण की मांग करता है क्या? प्रश्न ये भी ठीक लग रहा है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए जरा कि आपसे ये क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, आर क्या बोल रहा है, तर्क आपसे क्या कह रहा है? सामाजिक न्याय सबसे खराब के पक्ष में रिजर्व विभेद या भेदभाव की मांग कर रहा है, विभेद का मांग कर रहा है। सही है सर। हाँ, यहाँ पे सामाजिक न्याय सबसे बुरी हालत में रह रहे लोगों के पक्ष में विपरीत विभेदीकरण की मांग कर रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे ये भी सही है आपका। तो आपका दोनों, देखो प्रश्न बहुत सरल था, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत है आप लोगों को कि प्रश्न का नेचर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, यानी 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। माप का नाम मात्र एक स्तर माप का निम्न और सरल स्तर पर होता है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54 है, आप बताएं जरा इसके बारे में ये क्या है, जहां नॉमिनल स्केल के बारे में बात किया जा रहा है, पैमाना के बारे में, जिसे श्रेणीबद्ध चर पैमाना भी कहा जाता है, और यह एक ऐसा पैमाना है और जिसका उपयोग हम चर को अलग अलग वर्गीकरण में उसके स्तर मतलब लेबल करने के लिए करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पैमाने का प्रयोग हम बेसिकली चर मापन के लिए करते हैं, वेरिएबल्स के लिए करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का अगर मैं आपसे जवाब बताऊं तो आपका एक स्टेटमेंट सही है, सरल स्तर के लिए किया जाता है, सरल लेबल के लिए किया जाता है। और अगर मैं कहूं कि एक चर को अनेक, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी लोग, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि एक चर को अनेक नाम मात्र के उपकरणों में, उप वर्गों में विभाजित करता है, क्या ये बात ठीक है? हाँ, नाम मात्र वाले के हिसाब से अगर चला जाए तो सही बात बता रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन आर भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। अब जरा मुझे बताएं, इसकी व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है? क्योंकि लगा लीजिए
कि माप का सर, नाम मात्र सर, एक स्तर, हाँ माप का निम्नतर सबसे सरल स्तर है। क्यों सबसे सरल स्तर है? क्योंकि एक चर को अनेक नाम मात्र के उपकरण जो है उपवर्गों में विभाजित कर देता है, इसलिए स्पष्टीकरण भी हो गया। तो आप कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 55, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे LGBT के बारे में, है ना। आपका अभिकथन कहता है आप सभी से कि स्त्रियां किसी प्रकार की आसक्तता से ग्रसित व्यक्ति और LGBTS सामाजिक उपवर्जन का सामना कर सकते हैं, तो आप जरा मुझे बताएं क्या यह स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ओके, अगर आप कह रहे हैं यहां पर तो ये बात सत्य है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। यहाँ पर जो सर अपवर्जन मींस क्या है सर, एक बार आप अपवर्जन सर प्लीज। अपवर्जन लगता है मेरे को, अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो अपवर्जन कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंग्लिश में क्या लाइक लाइकली 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 टू फेस, ठीक है लाइकली, ठीक है। तो अपवर्जन कहने का मतलब ये बता रहा आपसे LGBT के परिपेक्ष में। अब LGBT आपने समलैंगिक नाम सुना ही होगा अच्छे से, लेस्बियन, और जी से आपका हो जाएगा LGBT, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, लेस्बियन गे, हाँ बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, हाँ ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। जी जी बताएं, देखो आवाज आ रही है बैकग्राउंड, है ना। तो आप सर, एक मिनट सर, इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर दो LGBT की। आप याद रखिए लेस्बियन, लेस्बियन हाँ, गे गे, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ओके सर। तो आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक अपजन, जो यहाँ पे बात किया जा रहा है सोशल में, अगेन आपको आ गया, आपसे पूछ लिया कि जो क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लोगों के पूरे समुदाय विभिन्न अधिकार अवसर और संसाधनों से व्यवस्थित रूप से वंचित कर दिया है, हालांकि वे किसी अन्य समूह को मिले जुले होते हैं। तो आपको बताना है एक प्रकार से सोशल एक्सक्लूज जो है एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन है ना, तो ये क्या होगा सामाजिक अपवर्जन बताएं। सही है सर, सही लग रहा है, सही लग रहा है। अगर आप कह रहे हैं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सामाजिक जो बहिष्कार होता है सतेंद्र सर, वही अपवर्जन होता है, और यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है जहां पे संसाधन, अधिकार, वस्तुएं, सेवाओं की कमी को बताता है, वह सामाजिक अपवर्जन होता है, और उसके परिपेक्ष में समुदाय विभिन्न अधिकार, अवसर, संसाधन की व्यवस्थित रूप से वंचित कर दिया गया है। और कह रहा है कि हालांकि वे किसी अन्य समूह से मिले होते हैं, ये बात सही है, और ये बात परिपेक्ष में कर रहा है LGBT का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा आपका बी, ठीक है। आगे बात करते हैं 56, अल्पसंख्यक के साथ काम करने के लिए वह वांछनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अल्पसंख्यक पर किए गए दमन और भेदभाव का प्रभाव को पहचानने के लिए समझ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये बात सही है। दमन किए, दमन एक ऐसे जन समूह द्वारा दूसरे जन समूह का उत्पीड़न है जिसकी सामाजिक सत्ता यानी सामाजिक अधिकार तक पहुंच है, और उस सत्ता या अधिकार के परिणाम स्वरूप या समूह को दूसरे समूह की तुलना के भी लाभ पहुंचाता है, यह भी सही है। इसलिए 56 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां और जनजातियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, भारत का कुल जनसंख्या क्रमांक जो अगर हम बात करें 16.6%,
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग, फैक्ट के रूप में आ गया है ये प्रश्न। और 8.6% आपकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची का उल्लेख हमारे संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। अब बताइए जरा, उल्लेख हमारे संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है, गलत है सर, पांच में है। अनुसूची पांच में है। यहां पे इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? पहला वाला आपका यहां तक स्टेटमेंट सही है, आपका यहां तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन और के बाद आपका स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है ना, 57 का आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी कमिश्नर का प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और वैज्ञानिक जो सुरक्षा है उपायों को मॉनिटर करने के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और यह उसकी रिपोर्ट या उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। तो 338 क्या बोलता है आपका अनुच्छेद? 338 अनुच्छेद ये बोलता है अनुसूचित जनजातियों के लिए सर, वो ईटन आयोग। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, ये स्टेटमेंट सही है, आपका ए गलत है और आर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और याद रखना ये फैक्ट के रूप में सत्य है, लेकिन इसके आगे की बात किया जाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे हमारे संविधान के प्रथम अनुसूची में नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है आपका। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पे जो फोर्थ वाला है ये सही है। अनुच्छेद अगर हम बात कर रहे हैं 38 के बारे में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा बताएं आप लोग, आर्टिकल 38 होता क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के एक विशेष अधिकारी नियुक्ति करने का प्रावधान के बारे में बात करता है, वही चीज थी यहां पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य को प्रयत्न करना चाहिए कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे और वन एवं वन्य पशुओं की सुरक्षा करे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए आप इसे कहें सही है। और आगे देखिए, वन में जो जंगली जो जीवन जंगली है, वन में जीवन जंगली है और पर्यावरण जंगली पशुओं के द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है, क्या ये बात सही लग रही है कि पर्यावरण जंगली पशुओं के द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है? ये सही लग रहा है आपको? गलत है, गलत है, तो इसलिए आप इसे गलत कहे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, इसलिए आप सभी लोग 58 का सही जवाब देंगे, ये सही आर गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, पर्सन इन सिचुएशन, भाई रूपम जी तो है नहीं शायद, अगर बताएं आप लोग कि पर्सन इन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फ्लोरेंस हॉलिस, वेरी गुड। इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्तिगत सेवार्थी को समझना या समझाना और उसकी बेहतर सहायता करना, क्या ये बात कहता है पर्सन इन सिचुएशन? बताएं, बिल्कुल कहता है, सही जवाब है, हाँ इस बिल्कुल कहता है। व्यक्ति अपनी स्थिति में विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता है और यह सब एक साथ करने के लिए पूर्ण बनाता है, तो यानी आप कह सकते हो कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ चल रहा है ये, तो व्यक्ति अपनी स्थिति में विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करता है, बात ठीक है, और यह सब एक साथ उसे पूर्ण भी बनाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका ए और आर दोनों सही है, तो 59 का सही जवाब जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा आपका, है ना। मानवाधिकार जीवन की ऐसी शर्त है जिसके बिना गरिमा के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता, क्या ये बात ठीक लग रही है? बताएं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60 आ गया है, आप तो आप कहेंगे ठीक है, फिर कहेंगे गरिमा के साथ जीवन सुरक्षित और आधुनिक राज्य का घोषित लक्ष्य है, क्या गरिमा के साथ जीवन सुरक्षित करना और आधुनिक राज्य का घोषित करना एक लक्ष्य हो जाएगा? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आप जरा मुझे बताएं, व्याख्या हो रही है मानवाधिकार के संबंध में, तर्क बोल रहा है कुछ बात?
तर्क कह रहा है मानवाधिकार के बारे बिल्कुल में, सही। बिल्कुल कह रहा है। तो आप क्या बताने वाले हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 60 का ए करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। तार्किक आधार पर परिकल्पना, तर्क के आधार पर, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण करने की इच्छा, सॉरी, करने से अच्छा शोध परिणाम सामने आता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। बिल्कुल आता है, हाँ। और एक तर्क संगत अगर परिकल्पना का निर्माण करेंगे तो लाभप्रद शोध की एक पूर्व जो पूर्वे जो पूर्वे जो पूर्वापेक्षा होता है, पूर्वापेक्षा होता है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? प्री रिक्वेसाइड, प्री रिक्वेसाइड, है ना। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है आपका, ये भी सही है। और आप जरा मुझे बताएं इसकी व्याख्या हो रही है कि परिकल्पना के आधार पे बताया जा रहा है ये बातें 61 का है। हाँ, तो इसलिए अगर आप कहेंगे तो फिर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद आ रहा है आप लोगों को, 9 इंस्टीट्यूट बताए थे, 9 इंस्टीट्यूट एजेंसियां डिसेबिलिटी के फील्ड में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यह ये जो है किससे मैच कर जाएगा आप लोगों का? चेन्नई से। और अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप के बारे में बात करें तो सिकंदराबाद, किसके? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और अली आवर जंग से अगर हम मैच करें हियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो मुंबई आपका आ जाएगा। और अगर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्थोपेडिक की बात करें तो कोलकाता से मैच कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही गया, कौन सा ऑप्शन सही गया है? सेकंड जी, हाँ सेकंड वाला करेक्ट गया है ना। सरल प्रश्न था, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, है ना, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। लेखक का नाम है एक तरफ, है ना, और आप बताएंगे प्रतिदर्श को लेकर। सर 62 एक बार बता दीजिए सर। 62 का 62 नहीं बताया था क्या मैंने? छोड़ दिया क्या उस प्रश्न को? चलो दोबारा से देख लो। बताएं सर मेरे को थोड़ा सा। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं। देखिए अगर हम मैच करते हैं जो चेन्नई में है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी वाली चेन्नई में होगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप के बारे में बात करें तो ये सिकंदराबाद में है। अगर हम अलियावर जंग की बात करें तो ये मुंबई में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक वाला अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी वाला, ये कोलकाता में है, ठीक है, ये कोलकाता में है। एक मैंने पीडीएफ दिया, ब्लाइंड वाला देहरादून, देहरादून ब्लाइंड में है। एक मैंने पीडीएफ दिया है आपको, एक बार मैंने निचोड़ बता रहा था, देख लेना वो पीडीएफ एक बार जरूर, 3-4 पीडीएफ दिया है, एक बार उसको जरूर आप लोग देख लेना, उन्हीं 3-4 पीडीएफ को जो मैंने अलग से संडे संडे क्लास लिया है आप लोगों का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि नाम एक आ रहा है आपके सामने कि बर्नस्टीन का नाम आ रहा है, ये किससे संबंधित होंगे ये आपको बताना है, तो आप किसको बोलेंगे? बोस्टन प्रतिदर्श को, बोस्टन इनसे आपका मैच कर जाएगा। अगर हम बात करें विंटर से तो विंटर एक अच्छा एक जीन मार्क इटार्क थे, उन्होंने एक जंगली बच्चे को पकड़ा था और पकड़ के उस पर स्पीच लैंग्वेज के बारे में बात किया था, तो वो उनका नाम भी विंटर ही था, ठीक है, तो वो वाली विंटर नहीं है यहाँ पे, ये विद्वान है। और ये विंटर ने किस चीज़ के बारे में चर्चा किया है तो अगर मैं आपसे बात करूँ सुधारात्मक में, और जो स्वाटर्स का नाम आता है ये किससे मैच करते हैं? स्वेटर्स अगर हम बात करें तो पारस्परिक, हाँ पारस्परिक प्रतिदर्श से। और जो है ग्रेस कोयल के बारे में अगर हम बात करें या कोयले के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये मैच कर जाएंगे आपके समाज उद्देश्य के प्रतिदर्श से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये प्रश्न अच्छा लग रहा है मुझे भी देखने में कि नाम देखो बा से बा मैच कर देना, ऐसे में अगर ये प्रश्न रिपीट होता है, और सा से आपको सुधार में देख लेना, सा से सुधार में आ जाएगा आपका, और कोयले का आपका याद रखना कि ग्रेस कोयले महोदय हैं, ये समाज के उद्देश्य या ध्येय के में आ जाएंगे। विंटर महोदय जो होंगे वो किससे मैच कर जाएंगे? सुधार से, विंटर सुधार से हो जाएंगे, ठीक है। और पारस्परिक किससे हो जाएंगे?
स्वेटर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही गया है, ये ऑप्शन ए पहला वाला सही गया है। ठीक है, एक तरफ विधान है, एक तरफ लागू किया गया कानून, जो आ रहा है उसी को करना, जो आता है उसी को करना, ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। ए का तीन में मैच करा दीजिए, वही हो गया सही, ए का तीन से अगर आप मैच करा दीजिए यही आपका सही होगा। किशोर न्याय वाला देखो 2000 में आ जाएगा, अभी कोई बता रहे थे। हिंदू दत्तक देखभाल अधिनियम 1956 का ले लीजिएगा, ठीक है। भारत में पुनरुत्थान समिति को 1992 का ले लीजिएगा, पुनरुत्थान पुनर्स्थापन समिति, एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ उसके कार्य के फोकस किए गए हैं, है ना। प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 ग्रामीणों के लिए घर, ग्रामीणों को घर, जननी हाँ। योजना जननी में सुरक्षा मातृत्व के लिए और सपना में किशोर और रोजगार के लिए महात्मा गांधी ग्रामीणों को, ठीक है ठीक है, ठीक है एक बार सुन लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा आवास योजना को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा वर्ष को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, हो सकता है बाय द वे रिपीट हो जा, होता रहता है हमेशा रिपीट क्वेश्चंस, है ना। तो ये इंदिरा जो प्रधान, अगर हम बात करें इंदिरा आवास योजना को लेकर, है ना, यही है ना इंदिरा आवास योजना, हाँ हाँ हाँ। तो इंदिरा आवास योजना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हाँ बिल्कुल। 2015 ग्रामीण के क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा, कहाँ ग्रामीण लिखा हुआ है, जहाँ ग्रामीण लिखा हुआ होगा वही मैच करवा देना आप लोग, आपका तीसरा से, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, एक और बात आपके सामने दिख रहा होगा, जनानी सुरक्षा, ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना, ये किससे मैच करेगा तो आपको बताना है, बताएं जरा। मातृत्व में, ये आपका सुरक्षित मातृत्व में, और ये पता है कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च की गई थी योजना 12 अगस्त 2005 को, 2005 को। चलिए आगे बात करते हैं, एक योजना और आ रहा है सबला योजना, सबला योजना का नाम सुना, सबला योजना, ये राजीव गांधी स्कीम, हाँ राजीव गांधी स्कीम के माध्यम से लाई गई थी ना, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को, नवंबर 2010 को ना, 2010 को आया था लॉन्च, तो इसको 2011 में किया गया, एक प्रकार से 2011 में करेंगे, 2011 का ही सही रहेगा, यही आप लॉन्च करने का टाइम यही था 2011 का ही, ठीक है 2011 का। इंदिरा आवास तो बहुत पहले की योजना है ना सर, ये इंदिरा आवास योजना, नहीं 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 2015 इंदिरा आवास योजना वही है, प्रधानमंत्री वाला जो योजना है वही है, ग्रामीण की ना, ना सर ये ग्रामीणों को पहले की योजना है सर, आप तर्क करोगे कौन सी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही इंदिरा आवास योजना के रूप में तो आई है, इसमें क्या हो सकता है। आप अगर आप बात कर रहे हैं इंदिरा आवास योजना के बारे में, तो इंदिरा आवास योजना जो गांव के ग्रामीण होते हैं उनको लिए जी इंदिरा आवास अलग है, ये SC ST के देखो ये भी अच्छा, ये भी देखो मैं बताऊँ, सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को लेकर ही बात ये भी किया गया था शरणार्थी के लिए, इंदिरा आवास योजना जो शुरुआत की गई थी बात ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो थी आपका 2015 की, 1996 का है, 1996 का है, ठीक है 1996 का है, ठीक है ठीक है ना, अब क्लियर हुआ। यही बाद में 2016 में इसको लॉन्च किया गया है, जो PMAY करके प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी को किया गया है, पहले इंदिरा आवास योजना था, आप या तो 2015 लगाएंगे या 1996 लगाएंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक है मैच कर लेंगे अभी हम लोग, कौन से कौन मैच हो रहे हैं, ठीक है बताइए। सबला समझ में आ गया, यस सर यस। अगर हम बात करें महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, सबला किससे मैच हुआ? आपने मैच नहीं करवाया, सबला किससे मैच हुआ? किशोरियों सशक्तिकरण से, हाँ। और अगर आप अगर हम बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 का है, हाँ, रोजगार योजना 2005 का, ये किससे मैच करेगा? रोजगार से। कौन सा क्रम आया बताइए? इंदिरा आवास योजना याद कर लीजिए 1996 का, जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट याद कर लीजिए 12 अगस्त 2005 का, ठीक है। सबला योजना मैंने कितना बताया है? सबला योजना को दो एक अप्रैल 2011 2011 हाँ 1 अप्रैल 2011 का, ठीक है। और महात्मा गांधी का मैंने कितना बताया? 7 सितंबर, ठीक है, 2005। चलिए अब बता दीजिए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। शिक्षा का अधिकार 21 का ए में होगा, 21 का ए फॉर, हाँ ठीक है। जहां पे समता का लिखा 14, समता का अधिकार कहीं पर है? हाँ, 14 ट्वेंटी अगर हम बात करें 23 का, कहीं पर बच्चों से व्यापार वगैरह करवाया जा रहा है, जबरन काम करवाया जा रहा है? और ये जीने का अधिकार 21, ठीक है, हो गया करेक्ट। कौन सा सही गया? ऑप्शन बता दीजिए, डी। चलिए ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग ऐसे ही देख देख के कर लेंगे, वहां पर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आप लोग करेंगे इसी तरीके से। अस्तित्ववादी सेरोन से क्या नाम था उसका? सेरोन किर्केगार्ड, सेरोन किर्केगार्ड, हाँ मैच कर दीजिए। गेस्टाल्ट में पल्स, हाँ। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, व्यवहार के जनक वाटसन। चलो मैच कर दीजिए, कौन सा सही गया? ए। चलो ऐसे ही करते रहिए, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आप तो सभी लोग करेंगे सभी क्वेश्चन। आप लोग जनहित मुकदमा, ना कोई वादी ना कोई प्रतिवादी, हाँ ना कोई वादी ना प्रतिवादी, जनहित याचिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ये देखो प्रश्न अच्छा आया है। वित्त आयोग, वेरी गुड। 315 संघ एवं राज्य के लोक लोक आयोग 315। और शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, कौन सा सही हुआ? दूसरा, वेरी गुड। भारतीय सुरक्षात्मक स्कूल अधिनियम कब लाया गया था? 1800 1876। दंड प्रक्रिया संहिता कब लाई गई थी? 1860 में आई थी। नहीं नहीं नहीं, ये है 1860, ये भारतीय दंड संहिता 1860 है, दंड प्रक्रिया की संहिता 1898 का है ना। और प्रिजनर्स अधिनियम 1900 में, 1900 कौन सा ऑप्शन गया? पहला का, थर्ड, अच्छा सी। बाल निषेध अधिनियम कब लाया गया? अब ये प्रश्न सती आयोग पहले शुरुआत करेंगे, सती आयोग सबको पता होगा, सती आयोग कब आया है? सही है, ओके गलत सर, ओके सर, बाल निषेध अधिनियम 1929 लिखा हुआ है। ठीक सर जी, बाल विवाह आएगा, निरोध अधिनियम, ओके बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, ठीक है। और सती 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 आयोग 1987, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006,
दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम देखो, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, सती आयोग अधिनियम 1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ऑप्शन कौन सा गया सही? पहला। ट्रिक लगा के करें इसे। यस सर। चले फिर ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा होना चाहिए तो आप कहेंगे थर्ड, लेकिन थर्ड हो जाएगा गलत कि बुजुर्गों के साथ सामाजिक कार्य। देखो कभी कभी ऐसे नहीं होता कि बड़ा आ रहा है तो सबसे ज़्यादा वही चीज होगा, लेकिन ट्रिक है अगर यहाँ पे इस तरीके से भी गलती करेंगे तो ये गलत भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये पूरा 100% नहीं सही होता है, है ना। बुजुर्गों के साथ समाज कार्य के समक्ष प्रमुख कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है किसमें? कि बुजुर्ग के परिवार के कठिनाइयों के दौरान काम करने की अयोग्यता के द्वारा होगा कि समाज कार्य सेवा एवं वास्तविक समाज कार्यकर्ताओं की संख्या के असंतुलन, ये पढ़ना पड़ेगा, है ना इसको। ठीक है, वैसे चलो आप लोग लगा देते हैं, कर लेंगे, चलो सर कर लेंगे, छोड़ दो सर आप, चलो फिर ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है कोई बात। अब हम लोग करेंगे दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। दिसंबर 2015 का सोशल वर्क का समाज कार्य का जो सेकंड पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताएं आप लोग कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि समाज कार्य की कौन सी पद्धति, ठीक है, जो सामाजिक नीति को समाज कल्याण में बदलने की प्रक्रिया को प्रक्रिया से संबंधित है। अभी ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, रिपीटेड, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपका जवाब जो आया है ऑप्शन नंबर डी की तरफ आया है, समाज कल्याण प्रशासन, और समाज कल्याण प्रशासन ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। समाज कार्य की, समाज कल्याण प्रशासन की पद्धति है जो सामाजिक नीति को समाज कल्याण की बदलने की प्रक्रिया होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे स्टार लगा लीजिए, है ना। कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये सामाजिक क्रिया नहीं समझ लेना है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको डी लगाना है। अच्छा अभी देखो प्रवीण ने बताया भी था इसका जवाब, है ना, कि फ्लोरेंस होलिश का नाम बताया था उसने, फ्लोरेंस होलिश, हाँ फ्लोरेंस होलिश का नाम बताया था। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब सेकंड वाला हो जाएगा। सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या नहीं समझा जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आप बताएं किसको नहीं समझा जाता है। तो आप कहेंगे कि अच्छा ऑप्शन, अगर आपकी बात करें, मैं ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या बोल रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मूल्य अधिमान व्यवहार की बात कर रहा है, एक प्रकार से पसंदीदा बिहेवियर की बात करता है या प्रीफेयर्ड बिहेवियर के बारे में बात करता है, ये उसके मूल्यों का, तो ये वैल्यूड है, एक प्रकार से वैल्यूड है। मूल्यों को सिद्ध नहीं किया जाता, भाई जब मूल्य को सिद्ध नहीं करोगे तो फिर कहाँ से मानोगे सामाजिक मूल्य, तो यही तो गलत हो गया, यही नहीं होगा ऑप्शन आपका, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एचबी ट्रेकर ने प्रतिपादित समाज कार्य का सिद्धांत नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो लोकतांत्रिक निर्णय का सिद्धांत दिया था, लचीलेपन का सिद्धांत दिया था, और अगर हम बात करें आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस के बारे में बात किया था, प्रोग्रेसिव के बारे में बात किया था, ये भी बात किया, ये भी बात किया, परिवर्तन, मैंने आप लोगों से कभी भी नहीं बताया कि प्रिंसिपल ऑफ जो है परिवर्तन की बात में कर रहा हो, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, संकेंद्रण के बारे में बात किया, ये सिद्धांत उसका नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, इसने नहीं दिया, 10 सिद्धांत दिए इसने, आपको पीडीएफ भी मिली इसकी। निम्नलिखित में से क्या समाज कार्य शोध की द्वितीय आंकड़े आते हैं, रिसर्च की जो द्वितीय आंकड़े हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं द्वितीय आंकड़े में, तो एक तो अच्छा आंकड़े नहीं है, द्वितीय आंकड़े नहीं है, ठीक है, द्वितीय आंकड़ा नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें
प्राथमिक में अगर हम बात करें तो प्राथमिक में आप देखें ये जो उत्तरदाताओं का एकत्रित करना सूचना है ये माना जाएगा, लेकिन पत्रिकाओं का एकत्रित करना, प्रतिवेदन पत्र वगैरह के बारे में बता रहा था, वेबसाइट को भी एकत्र करना ये आपका माना जाता है, लेकिन ये नहीं माना जाता, ये द्वितीयक आंकड़े नहीं होता, ये प्राथमिक आंकड़े है, बाकी द्वितीयक था, बाकी द्वितीयक था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला सही हो जाएगा। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक एक पुस्तक लिखी थी, रॉस का है कि डनहम का है, बाकी इनको छोड़ दीजिए, ये दोनों तो आएंगे नहीं, सब एक्सपेक्ट में। हाँ, वेलफेयर का नाम आएगा जब कभी भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस का नाम आएगा तो ऑथर डनहम का नाम है, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में बात किया है कितने 28 कितने 28 सिद्धांत इसी किताब में है। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत नहीं, इसके अंतर्गत दो सिद्धांत पहले बता दीजिए, एरिक बर्न, अवस्थाओं, अहम अवस्था को क्या शामिल नहीं किया है। अच्छा याद आ रहा, मैं बता चुका हूं आपको इसमें, बच्चा, माता पिता, वयस्क, भाई बहन, हाँ यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, 7 का डी वाला। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या आता है, हाँ लास्ट ईयर में भी आया था, याद रख लीजिए। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत में अहम जो अवस्थाएं होती है उसमें शामिल नहीं किया गया, भाई बहन को नहीं शामिल किया गया, बाकी शामिल किया गया। समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या क्या होता है समाज, अच्छा अभी देखो, अभी अभी पीछे आया था, किसी को याद है कि नहीं, हाँ अभी पढ़े थे, हाँ यही पर आपका सही जवाब हो जाएगा, 8वें का सी, ठीक है बहुत बढ़िया है, शाबाश। मूल्यांकन अनुसंधान मूल रूप से क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप जानते हैं पुष्टिकरण का अनुसंधान क्या होता है, पुष्टिकारक अनुसंधान, हाँ पुष्टिकारक अनुसंधान के बारे में अगर हम बात करें या पुष्टिकरण के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार से परिकल्पना, इसका जानते हैं क्या नाम है, इसका नाम है परिकल्पना, अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकल्पना भी बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो शोधकर्ता के पास जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य है कि भाई यह पता लगाना कि सिद्धांत तथ्यों के द्वारा समर्पित है या नहीं है, ये चीज़ें करता है, तो ये मूल्यांकन अनुसंधान है और ये होता है पुष्टिकारक, तो मूल्यांकन के बाद पुष्टि ऐसे भी लगा लेते तो भी सही हो जाता आपका, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाता, ठीक है बाकी आप जानते ही हैं, ठीक है आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है सामाजिक विघटन की, ठीक है तो आप क्या बोलेंगे, समन्वय प्रतिमान के क्रियात्मक में बाधित होता है, देखिए सामाजिक विघटन का विशेषता नहीं है, यह विशेषता तो है कि सामाजिक प्रतिमानों का क्रियात्मक में बाधित करना विघटन होगा, सामाजिक समूह की उत्तर जीविका को खतरे में डालना विघटन होगा, सामाजिक होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, यस सर होगा होगा, समाज के द्वारा निर्मित नियम का पालन करना, भाई देखिए अब तो ये कहाँ सामाजिक विघटन हुआ, ये विघटन है विशेषता नहीं है, ये तो पॉजिटिव शब्द में जा रहा है, यही सही है आपका ऑप्शन थर्ड, सामाजिक संबद्धता की कमी ये भी विशेषता को बताता है सामाजिक विघटन का, ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट है। कभी कभी प्रश्न देखो खराब चीज जो एक चीज पूछना चाहता है उसमें से आप लोगों से जानना चाहता है कि एलिमेंट करो खराब चीज को, नेगेटिव चीज को, है ना, पॉजिटिव चीज जानना चाह रहा था आप लोगों से। अध्ययन के समग्र को परिभाषित किया जाता है कैसे, अच्छे अध्ययन का विस्तार के रूप में प्रस्तुत करते हैं आप लोग, बताएं किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में, कि इकाइयों की कुल जनसंख्या के रूप में, जब अध्ययन हो रहा है समग्र में तो बताइए कुल जनसंख्या नहीं आएगी समग्र में, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्ययन की इकाई के रूप में नहीं, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फ्रायड का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व को शामिल किया है कौन कौन से, इद, ईगो, सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर थर्ड, हाँ ऊपर से नीचे की ओर,
बॉटम टू अप की अवधारणा किससे संबंधित है? मेगा में, बृहद में, सूक्ष्म में, किस मध्यम में? क्वेश्चन नंबर 13 आपका सूक्ष्म नियोजन में। माइक्रो आपने नाम सुना होगा, मेगा, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, ये अगर संबंधित है किसी से तो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। सूक्ष्म प्लानिंग में जो आप सूक्ष्म नियोजन करते हैं, हितधारक की ये परिभाषा है कि जिम्मेदारियों के साथ निर्भर समुदाय के विकास में, प्रबंधन के लेकर, आजीविका को वृद्धि को लेकर जो बात करता है वो बेसिकली आपका सूक्ष्म नियोजन है, और ये होता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। और ऊपर से नीचे की ओर कौन सा होता है? ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई होता तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है, बृहद। हाँ ठीक है, ऊपर से, हाँ, ऊपर से नीचे बृहद होता है, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आपका होगा 4, ऊपर से नीचे आपका 2। फाउले फ्रेरे का नाम आ गया, शुद्धिमतीकरण के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है ये, चेतनात्मक चैतन्यकरण का सिद्धांत में फेमस है, चेतना को लेकर बहुत फेमस है। तो अभिगम का जो सूक्ष्म संक्षिप्त वर्णन किया है पावले फेरे ने, क्या किया, लोगों के सेवाओं का संगठन के रूप में किया है। आपको अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पे पावले फेरे का, कि आपसे कह रहा है कि लोगों के साथ संक्रिया परिवर्तन के लेकर कहा है। अब इन्हीं दो में से कोई एक है, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, बाकी तो लोगों के बारे में ही बात करता है ये, और किसी के बारे में बात ही नहीं करता है। अब आप मुझे बताएं जरा कि लोगों के साथ संक्रिया परावर्तन प्रक्रिया को हम मानते हैं, मानेंगे, जहाँ पे एक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस विद पीपल की बात हम कर रहे होते हैं, तो वो संक्रिया परावर्तन की प्रक्रिया होती है, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। लोगों के सेवाओं के संगठन के रूप में ना कह के आप ये बोले तो बेटर रहेगा कि लोगों के साथ संक्रिया एक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे अच्छा रहेगा, यही अप्रोच उसका बताता है। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? देखो प्रश्न बहुत सरल सरल मिल रहा है अब हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 के बारे में बात करें, है ना, प्रायोगिक अध्ययन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मूल अध्ययन और पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन ही प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है, हम लोग इसी को जानते हैं। जैसे अभी आपको बताऊं, पायलट स्टडी किसको बोलते हैं? पायलट अध्ययन किसको बोलते हैं? इसी को कहा जाता है पायलट, छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं काम, पायलट स्टडी इसी को कहते हैं, कि मूल अध्ययन जो बेसिक चीज है वहां से लेते हैं, और पहले की सीमित स्तर पर, कोई एक सीमित होगा, निश्चित होगा, उस स्तर पर किया जाने वाला जो प्रारंभिक अध्ययन होगा उसी को पायलट कहते हैं, उसी को हम लोग प्रयोगात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, स्थिर और नियंत्रण चर का उपयोग किया जाता है किसमें? स्थिर भी है ना, और नियंत्रण चर भी है। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या बताता है आपसे? कि वैज्ञानिक अनुसंधान के डिजाइन में कड़ाई से पालन करता है ये, और शोधकर्ता के द्वारा इसमें फेरबदल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, वेरिएबल्स जिसे मापा, गणना किया जाए, मापा जाए, तुलना किया जाए, शोधकर्ता डेटा को एकत्र कर लेता है, परिणाम हो या परिकल्पना का समर्थन हो, ऐसी कंडीशन पर हम उसे अस्वीकृति के रूप भी दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर यह कहलाता है कि स्थिर और नियंत्रित चर। फेरबदल का मतलब होता है मैनिपुलेट, है ना, तो नियंत्रित भी स्थिर भी, दोनों चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें हम देखते हैं प्रायोगिक शोध में, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? चार्ल्स कूले। हाँ, ये आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता होगा, चार्ल्स कूले, बहुत बढ़िया। दंपत्य विवाह, अभी आपने देखा था कंजुगल फैमिली करके देखा था आप लोगों ने सर, गुड, विलियम जे गुड, यह आप इसे याद रख लीजिए, विलियम जे गुड्डे का नाम भी, ठीक है, कि दंपत्य परिवार, ठीक है, दंपत्य परिवार, कंजुगल फैमिली, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा है,
है ना, ये हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। कोई मुझे बता दे एक बार ये होता कौन सी फैमिली है। सर वो कंबाइंड, वो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, संयुक्त, सॉरी सॉरी, संयुक्त नहीं, संयुक्त नहीं, संयुग्मित का परिवार, संयुग्मित का परिवार होगा, जिसमें एक विवाहित जोड़े, उनके बच्चे, जन्म या गोद लेने वाले बच्चे होंगे, एक युगल शामिल हो सकता है, अविवाहित कम उम्र के बच्चे लोग होते हैं। कंजुगल का मतलब होता है शादी का रिश्ता, ठीक है, तो हम बोले संयुग्म परिवार तो सही रहेगा, विलियम जे गुड्डे ने दिया है, इसकी रचना किया है, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। मैं इस क्लास इस पेपर को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उस समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था, इस क्लास को करवा चुका हूँ, है ना, इस पेपर को मुझे याद आ रहा है, मैंने करवाया है इस पेपर को। किसी दिए गए समय में आयु लिंग वितरण को माना जाता है, आयु लिंग वितरण को माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंख्या पिरामिड, वेरी गुड, यहाँ पर आपका यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, है ना, पॉपुलेशन पिरामिड, है ना, जनसंख्या पिरामिड, क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सतत विकास का मतलब क्या है? देखो कितना सरल प्रश्न आया हुआ है 2015 का, ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर तो आप लोग कर जाओगे, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कर जाओगे। सतत विकास, सतत प्राकृतिक पूंजी बताता है ये, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सतत प्राकृतिक पूंजी, सस्टेनेबल नेचुरल कैपिटल होता है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अपराध विज्ञान सुखवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अपराध विज्ञान सुखवाद सिद्धांत, मैंने बताया है अभी आप लोगों से, जब अपराध वगैरह के बारे में बात कर रहा था वहां पे बात करता, अपराध विज्ञान में सुखवाद का सिद्धांत, विलियम जी समनर, यहाँ पे कहीं है ही नहीं, अरे इसका नाम मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये वाला, इसका बताएं कौन सा आएगा, लेम्ब्रोसो, अरे भाई याद रख लो, लेम्ब्रोसो बोला था आपने, तो नाम बोला ना, हाँ लेम्ब्रोसो मैंने बोला है नाम, लेम्ब्रोसो एक बार, है ना। फोकवेस का नाम बताएं, चंद्रितिया समनर, वेरी गुड। किसके समक्ष प्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जानते हैं आप लोग, FIR किसके समक्ष FIR दायर की जाती है, कौन किसके सामने, ऑफिसर स्टेशन पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, FIR दायर की जाती है इनके सामने। पुलिस अधीक्षक वगैरह मत लगाना, गलत हो जाएगा, ना ही पुलिस सर्किल अधिकारी को लगाना, ये भी गलत होगा, पुलिस महाधीक्षक के बारे में मत सोचना आप लोग, यही आप सोचना, ऑप्शन आपका यही सही होगा। किस सरकार ने, अच्छा ये पता है, फिरका वगैरह मार्तंडम वगैरह विकास की योजना, मैंने आपको एक PDF भी दिया, पढ़ाया भी एक बार क्लास का मैंने आप लोगों को, पढ़ाया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ आप जरा मुझे बताइए ये लॉन्च कब की गई, मतलब कब नहीं किया गया, इसमें पूछा है कि प्रारंभ किया गया था कहाँ से, फिरका पता नहीं, चलो 24 का यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर मद्रास, यानी आपका सही जवाब 3 वाला। फिरका ग्राम विकास योजना 1946 में पहली बार इसको यूज किया था, उसका नाम था टी प्राकासम के द्वारा, नोट कर लीजिए, टी प्राका सम, कहां पर, मद्रास के द्वारा, राज्य में 34 फिरकाओं ने शुरू किया था इसको, फिरका विकास योजना 1946 में। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है, उपलब्धि उपलब्धि प्रेरणा मोटिव, मैकडुगल कहीं दिया है, अरे मैकलीलैंड, मैकडुगल तो मूल प्रवृत्ति दिया है,
वो दिया है, मैकडुगल ने मूल प्रवृत्ति दिया है, मैकलीलैंड कहीं दिया हुआ, देखो ऑप्शन नंबर डी में, डेविड फ्लोरेंस मैकलीलैंड, इसने उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत से इसी ने दिया है उपलब्धि का। और मैंने एक जो आप लोगों को पीडीएफ नहीं दिया है सारे सिद्धांत के कौन कौन से, उसमें लिखा हुआ है प्रेरणा का सिद्धांत, इसी का नाम आएगा मैकलीलैंड का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लंबवत संगठन की विशेषता नहीं है? लंबवत, क्वेश्चन नंबर 26, नैरो, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे नैरो के बारे में, नैरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? बंद, संकीर्ण, हाँ संकीर्ण, संकीर्ण अगर हम बात करें संकीर्ण विस्तार या संकीर्ण एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक प्रकार से इसको हम नियंत्रण के रूप में भी ले सकते हैं कि संकीर्ण नियंत्रण या बंद नियंत्रण, और पूर्ण, पूर्ण नियंत्रण आपका क्लोज्ड नियंत्रण हो जाएगा, वो बंद नियंत्रण है ही है ना। और आपका अगर हम बात करें यहाँ पे विस्तृत ब्रांड, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 26 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यही नहीं होगा, विस्तृत विस्तार और केंद्रीकरण भी होता है और आपका पूर्ण नियंत्रण भी होता है लंबवत में और आपका संकीर्ण भी होता है, ठीक है। तो वर्टिकल में कौन कौन से संगठन में आता है आप ध्यान रखिएगा, एक नैरो हो जाएगा, एक पूर्ण रूप से हो जाएगा क्लोज टाइप में, और एक आपका हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन में, ठीक है, केंद्रीकरण में भी हो जाएगा। लेकिन आपका अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रॉड लेवल पर नहीं होगा ये, आपका विस्तृत लेवल पर। महिलाओं को अध्ययन के अंतर्गत शोधार्थियों को, महिलाओं को लंबवत की बात कर रहा है तो लंबवत विस्तृत में नहीं आएगा? लंबवत नहीं, लंबवत आप विस्तृत लेवल को ना समझे, ठीक है, यहाँ व्यापकता का एक लंबा विस्तार के बारे में बात कर रहा है कि विकल्पों को निर्णय लेते समय हम लंबा निर्णय नहीं ले सकते, लंबवत संगठन में निर्णय लेना असंभव है, ठीक है, वहां पे अभिव्यक्ति करना असंभव है, उस चीजों को ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। महिलाओं के अध्ययन के अंतर्गत जो शोधार्थी होते हैं उन महिलाओं को किस रूप में देखना चाहिए? वस्तु और उपभोक्ता के रूप में, विषय उत्पादक के रूप में, वस्तु उत्पादक के रूप में, केवल उपभोक्ता के रूप में? बताइए, विषय और उत्पादक। हाँ, विषय और उत्पादक। महिलाओं को किस रूप में देखना चाहिए? शोधकार जो शोधार्थी होते हैं महिलाओं का अध्ययन जब करेंगे तो विषय और उत्पादकता के रूप में देखें, यही सही जवाब है आपका। वस्तु उपभोक्ता नहीं है वो आपके लिए, वस्तु और उत्पादकता भी नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें केवल उपभोक्ता के रूप में भी नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा विषय और उत्पादक के रूप में देखें, वस्तु नहीं होगा, ये सही याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। प्रश्न यहाँ पे सरल सरल दिख रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया है? अच्छा, मानव विकास सूचकांक, सूचकांक जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बात की जा रही है, 28 का क्वेश्चन नंबर है, ये लिंग असमानता का सूचकांक था, है ना, ये नोट करिएगा, स्टार लगाइएगा, ये यूपीपीएससी का भी क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का भी ये क्वेश्चन है ना, कि सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था, उसका उपयोग है लिंग असमानता का सूचकांक। आयुष तो मैंने आपको कई बार बताया भी है, आयुष केंद्रीय आयुर्वेद सिद्ध अनुसंधान परिषद भारत सरकार के द्वारा है ना, हाँ 1978 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। किसके परिपेक्ष में था ये? सरकार, एक सरकार एक विभाग के द्वारा, यही तो है आपका, ये देखो बाल कल्याण के द्वारा गैर सरकारी संगठन से नहीं लाया गया था, इससे संबंधित नहीं है, एक नशा नियंत्रण कार्यक्रम भी नहीं है, पोलियो का भी नहीं है, भारत सरकार का एक विभाग है। बी वाला, बी लिंग असमानता का सूचकांक,
भारत सरकार का विभाग यहाँ पे सही हो जाएगा, 29 बी वाला। विचलन क्या नहीं है, विचलन क्या नहीं है, विचलन नहीं है ये आपको बताना है। एक तो मानव व्यवहार है विचलन, एक तो आपका निर्मू जो है निर्मोदित दिशा है। अच्छा अब आप सोच रहे हैं निर्मोदित है क्या भाई, डिस अप्रूवल जिसको बोलते हैं, डिस अप्रूवल है ना, डिस अप्रूवल विचलन के रूप में अगर हम देखें तो ये ही है आपका डायरेक्शन के रूप में जाना जाता है इसको। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे समाज के सहनशीलता के स्तर से परे हो, ठीक है ये भी है। तो विचलन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, ये है विचलन। एक आपका अस्वीकृति दिशा में जाए तो भी हो जाता है, उसी को अस्वीकृति बोलते हैं, इसी को हिंदी में अस्वीकृति भी कहते हैं। अच्छा हालांकि ये भी शुद्ध हिंदी में है, निर्मोदित भी शुद्ध हिंदी है और अस्वीकृति भी इसी की हिंदी है। और समाज के सहनशीलता के स्तर से परे ये भी है। गौरवपूर्ण व्यवहार करना विचलन नहीं है, गौरवपूर्ण व्यवहार करना ये विचलन आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी, प्राधिकारी क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है, अथॉरिटीज जिसको बोलते हैं, ग्रांट, ग्रांट मतलब अपचारियों, ठीक है। तो प्राधिकारी अपचारियों को प्रोबेशन प्रदान करता है कौन, न्यायालय, आप बताएं कैसा न्यायालय। हाँ अभी एक प्रश्न हो रहा था शायद, ये जवाब कह रहे थे शायद सत्येंद्र जी का था, एक बार और प्रश्न आया था वो कह रहे थे न्यायालय नहीं होगा, वही यही प्रश्न है ना, परिवीक्षा वहां पे लिखा हुआ था लेकिन नहीं याद आया। सत्येंद्र जी चले गए क्या, चलो अच्छा नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए, ये प्रश्न में न्यायालय होगा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा परिवीक्षा प्रदान किया जाता है न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने, किससे गरीबी का नारी, नारीवादकरण नहीं होता है, नारीवादकरण नहीं होता है आपका, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा नारीवाद नहीं होता, बाकी आर्थिक अवसर का जो है अलग रखा, महिलाओं के कामगारों जिन्हें आर्थिक अवसरों से अलग रखा जाए, महिलाओं को कम मजदूरी में ज़्यादा घंटे का कार्य किया जाए। देखो यहाँ पे प्रश्न है गरीबी का नारीवादीकरण नहीं होता है, नारीवादीकरण नहीं होता है ना, नारीवादकरण नहीं होता है। महिलाओं के लिए संपत्ति भूमि का अधिकार का अभाव हो, ये भी एक प्रकार से उसी में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा आर्थिक स्वतंत्रता। 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, मिजोरम का, या तो मणिपुर या तो मिजोरम है, मिजोरम है, मिजोरम करेक्ट जवाब है। अभी मैंने एमपीपीएससी में इसकी क्लास दिया था आप लोगों को, पता है इसकी क्लास दिया था। आगे बात करते हैं, विचारों को किस संप्रदाय के बाल अपराध की व्याख्या करने के लिए सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, शिकांगो संप्रदाय के पहचान शहरी सामाजिक पृष्ठभूमि के लेकर अगर बात किया जाए तो ऐसी कंडीशन पर शिकांगो संप्रदाय आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने एक प्रश्न एक बार और आया था आपसे, कह रहा था कि बाल अपराध की व्याख्या करने के लिए सामाजिक विघटन की अवधारणा शिकांगो संप्रदाय से है, ये दूसरी बार प्रश्न आप देख रहे हैं, एक बार और मैंने देखा है इस प्रश्न को, मैंने करवाया है आप लोगों से जी सर, ये शिकांगो संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 35, गुणों का विकार किससे संबंधित ज्यादा होता है, गुण, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर हाँ व्यक्तित्व विकार, यह आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी करवाया है। सुधार गृह का नया नाम बताइए, ये शायद नहीं रिपीटेड है, सुधार गृह का नया नाम बताइए, पर्यवेक्षक गृह, पर्यवेक्षक गृह, यानी आप कहें यहां पे पर्यवेक्षण ग्रह, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब, सुधार गिरी का नया नाम है ये, याद रख लीजिए ये एग्जाम में हो सकता है 2021 में कल आ जाए आप लोगों से। समान प्रश्रमिक अधिनियम में 1976 की बात हो रही है, तो महिलाओं और पुरुष के समान कार्यों के लिए एक समान भुगतान होना चाहिए 50-50 का, आधे आधे का, हाँ या ना में जवाब दीजिए,
बिल्कुल होना चाहिए। यस सर। फिर अगर कहें भर्ती के समय में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी सही है। ओके। नियोक्ता के लिए कर्मकारों के रजिस्टर रखना आवश्यक है, तो तीनों सही है, तीनों सही है, तो ए बी सी लगा दीजिए। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न है। सामाजिक नियोजन एक तरफ प्रारूप है, एक तरफ पद्धति है ना, तो आप सबको आसानी से कर लेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो एक संचेतना सामाजिक क्रिया में पढ़ रहे थे, सोशल एक्शन के मॉडल में पढ़ रहे थे चेतना का बारे में, हाँ या ना, चैतन्यकरण का सिद्धांत उसी में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप डी का 4 में मैच कर दीजिए, या तो पहला होगा या तो फिर दूसरा होगा। सामाजिक नियोजन के बारे में बताइए जरा, अगर हम बात करें आप लोगों से तो आपने पढ़ा है उसके बारे में, जब ट्रैकर बता रहा था आपका सिद्धांत, तो सामाजिक नियोजन का सिद्धांत किसमें ट्रैकर बोला था, समूह कार्य के सिद्धांत में बोला कि नहीं बोला है, बताइए भाई, बोला है ना उसमें ट्रैकर ने, तो फिर ठीक है लगा दीजिए इसको। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले दूसरे में ऑप्शन ही नहीं है दूसरे को जी, दूसरा तो सर ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अच्छा ऑप्शन नहीं है, एक मिनट एक मिनट, ये ट्रैकर जब भी आता है ना ये कंफ्यूजन करने आ जाता है, यह आता है समुदाय में भी सामाजिक नियोजन का संगठन। अब देखो मैच आ रहा है, ये सर अब हो रहा है, अब हो रहा है ना, हाँ इससे सेकंड सेकंड है ना, हाँ। अब व्यवहार शोधन के बारे में अगर हम बात करें, व्यवहार शोधन के बारे में बात करें तो व्यक्ति कार्य में आएगा, व्यक्ति कार्य में आ जाएगा, पारस्परिक प्रारूप आ जाएगा, समूह कार्य में आ जाएगा, रेसिप्रोकल का मॉडल, रेसिप्रोकल का मॉडल किसमें पढ़ रहे थे, ग्रुप समूह कार्य की अवस्था में पढ़ रहे थे ना आप लोग रेसिप्रोकल का मॉडल, हाँ तो ये आपका इसी में आ जाएगा, तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ट्रेकर कंफ्यूज करने वाला व्यक्ति है ना, कोई बात नहीं हो जाएगा फिर भी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, देखिए कई पावलाव दिखाई दे रहा है, अच्छा पावलाव नहीं दिया है यहाँ पे, यहाँ पर आपको विचार करना है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में, तो कहीं देखिए प्रतिस्थापन का अधिगम दिया हुआ है, ये देखिए प्रतिस्थापन, इवान पैट्रिक पावलाव के अगर हम बारे में बात करें तो ये मैच करता है आपका सब सिचुएशनल लर्निंग पर, ठीक है। क्रिया प्रसूत अगर अनुबंधन की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अगर बारे में बात करें, किससे मैच करेगा, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, ये पावलाव है, और ये कौन सा था, बीएफ स्किनर है, और ये बौद्धिक आप देख रहे हैं, बौद्धिक जिसको आप लोग बोलते हैं रेशनल इमोटिव, इमेटिव इमोटिव जो है थेरेपी है, ये जो इमोशनल से संबंधित है जिसको हम लोग बोलते हैं REBT जो है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, और ये बेसिकली 1950 में अल्बर्ट एलिस ने दिया था, किसने दिया था, अल्बर्ट एलिस, लिख लीजिए, मैंने लिखवाया भी है शायद आप लोगों को, अल्बर्ट एलिस का नाम लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, 1950 में लिखवाया होगा, ये किससे मैच करेंगे, मैच कर दीजिए। एबीसी मॉड प्रतिरूप है ये, एबीसी अभी तो बोला हूं आपको, एबीसी प्रतिरूप है ये, जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एबीसी को, एबीसी को बोलते हैं जो है एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं एबीसी को। और इसको एक जो है आप बचा आपका ट्रांसएक्शनल एनालिसिस बचा है, ये किससे मैच कर जाएंगे, बचा आपके पास एक ही है, बताएं, माता पिता, माता पिता, पिता वैसे बच्चे हैं, हाँ। और एरिक बेक किसका नाम आता है इसमें, एरिक बेक, एरिक बक बेक का नाम आता है, याद रखिएगा 1950 में ये भी दिया था एरिक बेक ने, एरिक बेक ने 1950 में दिया था संव्यवहार, एरिक बेक 1950, बौद्धिक में अल्बर्ट एलिस, ओसीटी में बीएफ स्किनर, पावलाव, और इसका मैच आएगा माता पिता, अभी तो आप देख रहे थे इसके माता पिता, वयस्क, बच्चा, भाई बहन को आपने एलिमेंट कर दिया था, याद आया कुछ, हाँ
अभी अभी देखा आपने, भाई बहन को आपने टिक मार दिया था, इसमें पूछा था भाई बहन नहीं, यही था, यही था, यही यही था वो, ठीक है, यही था 1950 में, ठीक है। एरिक बेक, चलिए मैच करिए फटाफट, कौन सा हुआ सही? चौथा, चौथा सही, ठीक है। चलिए पोस्को को मैच करिए, यहाँ अगर हम बात कर, हाँ तो यहाँ अगर हम, ठीक है, तो पहले हम मैच करते हैं इसको, आपको अगर हम कहें कि यौन अपराध बच्चों के सुरक्षा अधिनियम 2012, अगर हम मैच करते हैं यहाँ पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध प्रतिषेध अधिनियम को लेकर, कार्यस्थल पर 2013, ये वही है ना, द सेक्सुअल जो है हरासमेंट वाला, वोमेंस एंड द वर्क प्लेस वाली बात कर रहा है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये 2013 वाला है, 2013 का है, नोट कर लिए। घरेलू हिंसा नोट करिए 2005 कहीं है, ये देखो बाल विवाह प्रतिषेध 2006, कौन सा सही गया? तो पहला, पहला, चलो बहुत बढ़िया है, देखो कितना सरल तरीके से प्रश्न आया 2015 में, भाई बता रहा हूँ कि अब उस समय मैं तो था ही नहीं, मतलब उस समय मैंने किया ही नहीं था, अप्लाई नहीं किया था, नहीं अगर आप लोग भी अप्लाई करते तो कितना आसानी से आपका जेआरएफ आता, देखिए कितना इजी इजी प्रश्न पहले आते थे। आगे हम बात करते हैं, अच्छा एक और प्रश्न लेते हैं, सम, अब आपके सामने एक, हम एक है सम पित्रोदा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सम पित्रोदा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला का तीसरा। नसीम अहमद किससे संबंधित हैं? नसीम अहमद जी, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय वाला, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग, अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे पीएल पुनिया, पुनिया 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 वाला, मत अभी ओलंपिक वाला नहीं, बजरंग पुनिया, अनुसूचित जनजाति आयोग, हाँ शाबाश, अनुसूचित जनजाति आयोग। रामेश्वर, रामेश्वर उराव, अनुसूचित नहीं, अनुसूचित जाति आयोग होगा पुनिया यार, आपने गलत लगवा दिया, हाँ हाँ ये इससे होगा, हाँ इससे होगा, ये होगा जनजाति से, ये होगा उराव, ये होगा जनजाति से। अब बताइए पुनिया जनजाति से है, उराव जनजाति से है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, हाँ या ना? जी बिल्कुल ठीक। सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाता है, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन, पहला सही है, दोनों सही है, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्लीट होने वाले हैं, ये भी हम लोग नजदीक आ गए हैं। सहगामी मानकों और मूल्यों को और समझ को साथ नेटवर्क और समूह के अंदर समूहों के बीच सहयोग को असमान बनाता है, सामाजिक पूंजी कहलाता है। देखिए सहभागी मानक मूल्य और समझ के साथ नेटवर्क समूहों के अंदर समूहों के बीच सहयोग को आसान बनाता है, वह सामाजिक पूंजी कहलाती है। देखो सामाजिक पूंजी होती क्या है पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, सही जवाब आपका ये, अगर मैं आपसे बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये करेक्ट जवाब है कि सहभागी मानक जो है मूल्य और समझ के साथ नेटवर्क और समूह के अंदर समूहों के बीच में सहयोग को आसान बनाता है, इसे सामाजिक पूंजी कहते हैं। नेटवर्क समूहों और व्यक्तियों के बीच में वास्तविक वैश्विक संबंध है, तो नेटवर्क समूह और व्यक्तियों के बीच में वास्तविक वैश्विक संबंध है, ये भी बात ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट है, 43 का ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। समान अंतिम व्यवस्था में विभिन्न आरंभिक स्थितियों और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, बताएं, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, समान अंतिम अवस्था में
विभिन्न आरंभिक स्थितियों विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, संतुलन की व्याख्या सामान्य शारीरिक संतुलन पद से की जा सकती है। संतुलन की व्याख्या सामान्य शारीरिक संतुलन पद से की जा सकती है, तो आप जरा मुझे बताएं। बिल्कुल, ये भी सही है आपका, ए और आर दोनों सही है। हाँ, समान उपयोग समय उपयोग सर्वेक्षण गैर कार्य समय के आवंटन और दक्षता का मतलब स्किल होता है, टास्क होता है, कार्य होता है, निपुणता होता है, का परीक्षण किया जा सकता है, आप बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, समय उपयोग सर्वेक्षण गैर कार्य समय के आवंटन और दक्षता का परीक्षण कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि समय उपयोग सर्वेक्षण महिलाओं के अदृश्य कार्य को दृश्य बनाता है। जो समय उपयोग सर्वेक्षण है महिलाओं के अदृश्य कार्यों को दृश्य बनाता है, ये भी बात ठीक है, इसलिए आपको कहेंगे ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है। चलिए, अब यहाँ पे गद्यांश वाला आ गया है, तो ये इसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे, है ना, ठीक है, ये पेपर सॉल्व करने के बाद, है ना। तो ये 46 का सबसे बड़ा अगर आप देखें, और बड़ा क्या, इसमें आपको ऐसे ही है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को देखना है, और ऑप्शन देखने के बाद आप इन्हीं ऑप्शनों से ही आंसर को लेके जाना है, आंसर तक जाना है, ऐसा प्रश्न करना है। प्रश्न को पढ़ लेना है, आंसर को देखना है, फिर गद्यांश को देखना है, ठीक है। जो चीज़ें मैच करेगी उसी हिसाब को मैच करना है, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक लगाना है एग्ज़ाम के दौरान पे, ठीक है, ठीक है। और ये आपके सामने रहे, इसमें पेपर को भेज देता हूँ, अभी आप लोग इसको देख लेना, है ना, अभी आप लोग इसको, इस सारे पेपर को देख लेना, ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, आप लोग देख लेना।